सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y21 फोन के न्यू डायलर के बारे में। है सो वीवो का ऑफिशियल डायलर कैसे आप अपने वीवो के Y21 फोन में इंस्टॉल करोगे एंड आपके फोन में अगर गूगल डायलर होता है उसे आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो एंड यहाँ पे आप उसके जहाँ पे वीवो का ऑफिशियल डायलर अपने फोन में यूज कर पाओगे एंड कैसे करना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ना ही कोई ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपने फोन के सेटिंग से सेटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहां पे अपने फोन में वीवो का ऑफिशियल डायलर को अपने फोन में यूज कर पाओगे। जो कि पहले वाला जो पुराना डायलर हमें देखने को मिलता था वीवो के फोन में वही डायलर आप अपने फोन में यूज कर पाओगे। अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 12 रन कर रहा था तो आप यह वाला सेटिंग कर सकते हो। ये कोड मैं आपको बताऊंगा, उस कोड को आप वीडियो में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर देखकर अपने फोन में कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला हूं वीवो के Y21 फोन के ऑफिशियल डायलर के बारे में। तो चलते अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। तो इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे फोन में यहाँ पे जो कि ऑफिशियल वीवो का डायलर देखने को मिल जाता है। इसके यहाँ पे मैं गूगल का भी डायलर ला सकता हूँ, अगर आप यूज करना चाहते हैं गूगल का डायलर भी तो गूगल का भी डायलर आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे वीवो का ऑफिशियल डायलर यूज करना चाहेंगे ये भी आ जाएगा। तो फाइनली इसे कैसे करना आपको मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, डायलर पे आना है एंड डायलर पे आपको डायल करना है *#*#, उसके बाद आपको यहाँ पे 55 66 88, उसके बाद आपको क्या करना है *#*#, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का सेटिंग देखने को मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस सेटिंग को अगर मैं यहाँ पे ऑफ होगा आपके फोन में तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक होगा उसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इस सेटिंग को ऑफ कर दिया है, उसके बाद हम अपने फोन के डायलर पे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे गूगल का डायलर आ चुका है। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फोन में गूगल का डायलर वापस आ चुका है। अगर आप यहीं पे चाहते हो अपने वीवो के Y21 फोन में ऑफिशियल वीवो का डायलर को इंस्टॉल करना तो फाइनली यही सेटिंग आपको डायलर पे आना है एंड यहाँ पे आपको डायल करना है *#*#, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डालना है 55 66 88, उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है *#*#, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का सेटिंग देखने को मिल जाएगा वीवो के Y21 फोन में। यहां पे आपको क्या करना है, इस सेटिंग को यहां से रीड कर लेना है, रीड करने के बाद आपको क्या करना है यहां से ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, ओके पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास आएगा सेट नाउ का ऑप्शन, सेट नाउ वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का डायलर देखने को मिल जाएंगे, एक आपका मिल जाएगा गूगल डायलर, एक आपका ऑफिशियल वीवो का डायलर देखने को मिल जाएगा। आपको यहां पर टिक करना है एंड आपको फोन से बैग आ जाना है। अब बैग आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर देख सकते हैं हमारा जो कि वीवो का ऑफिशियल डायलर चेंज हो चुका है। इस तरह से आप अपने वीवो के Y21 फोन में वीवो का ऑफिशियल डायलर को चेंज कर सकते हो, गूगल डायलर को रिमूव कर सकते हो एंड यहां पे आप वीवो का ऑफिशियल डायलर को यूज कर सकते हो। देख सकते हैं मेरे फोन में वीवो का ऑफिशियल डायलर आ चुका है। अब यहां पे इसका सेटिंग वगैरह देख सकते हैं, यहां पे ब्लॉक नंबर वगैरह यहां पे मिल जाता है आपको, कॉल सेटिंग, रिकॉर्डिंग वगैरह इसके अंदर आप करते हो तो आपकी रिकॉर्डिंग जो होती है, पहले गूगल के डायलर में आपकी रिकॉर्डिंग ना ही फाइल मैनेजर में सेव होती थी, लेकिन इस वाले डायलर से आप अगर कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी एंड कैसे सेव होगी मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो फाइनली यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन करने का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे ब्लॉक नंबर पे जो कि इनकमिंग कॉल ब्लॉक कर सकते हो, यहाँ से जो कि अननोन नंबर पर जो भी आते हैं, यहाँ पे जो कि ये वाला सेटिंग हमें गूगल डायलर में देखने को नहीं मिलता था, इस वाले डायलर में हमें देखने को मिल जाता है। इसे आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो अननोन नंबर को एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वाला ऑप्शन, ये वाला भी सेटिंग वगैरह देख सकते हैं पहले हमारे फोन में आता था वही सेटिंग इसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो फाइनली तो ये बहुत ही बढ़िया जो कि हमें मिल जाता है वीवो का ऑफिशियल डायलर, जो गूगल डायलर था उसके अंदर ये सब फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलता था। अब यहां पे आपको मिल जाता है इसके अंदर जो कि स्पीड डायलर, यहां पे आप नंबर वगैरह अपने हिसाब से लगाकर उसी नंबर को टैप करेंगे उसके बाद आपका कॉल लग जाएगा, ये भी फीचर्स आपको मिल जाता है जो हमें पहले मिलता था। उसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है, फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मिल जाता है नंबर आपका, उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेटिंग वगैरह इसके अंदर मिल जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये कुल मिला जुला के आपका जो वीवो का ऑफिशियल डायलर है बेटर है दोस्तों, इसे आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, जो कि यहाँ पे हम डायल करते हैं नंबर को, तो हम यहाँ पर नंबर को डायल कर लिए, उसके बाद हमारा जब डायल होगा डायलर स्क्रीन कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिल जाता है, हमारा डायलर स्क्रीन कुछ इस तरीके का, हमारा कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे जब कॉल हो जाएगा उसके बाद हमारा जो फाइल कहाँ पे सेव होता है मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा। नप्पो
बांग्ला तो फाइनल सो इस कॉल को मैं कट कर दिया एंड हमारा जो कॉल रिकॉर्डिंग हुआ उसका फाइल कहाँ पे सेव होता है। तो फाइनली जो होता था पहले कि वीवो के फोन में जो एंड्रॉयड 12 में हमारा आता था गूगल डायलर, उसके अंदर हमें जो कि यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फाइल सेव नहीं मिलता था, लेकिन इसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फाइल यहाँ पे सेव मिल जाएगा। यहाँ पे आएंगे, उसके बाद आपको आना है नीचे यहाँ पे स्टोरेज पे। स्टोरेज पे आने के बाद आपको नीचे मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। कॉल रिकॉर्डिंग पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो फाइल है सेव देखने को मिल जाता है, जो कि अभी अभी मैंने बात किया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नंबर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपका कॉल रिकॉर्डिंग फाइल यहीं पे सेव मिल जाता है, जो कि हमें गूगल के डायलर में देखने को नहीं मिलता था। तो यहाँ पे अगर आप चाहोगे वापस से फिर से गूगल डायलर को लाना तो यहाँ पे वही नंबर आपको डायल करना है *#*#, उसके बाद आपको 55 66 88 *#*#, यहाँ पे आपका ऑफ कर दोगे उसके बाद आपका गूगल डायलर जो है यहाँ से वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपका गूगल डायलर जो कि वापस आ चुका है, आप देख सकते हैं मेरे फोन में जो सेटिंग वगैरह था इसका एंड गूगल डायलर वगैरह यहाँ पे हमारा वापस आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गूगल डायलर हमारा वापस आ चुका है, इसके अंदर वो भी सेटिंग सब नहीं देखने को मिलता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोग को वीवो के Y21 फोन में बता दिया कैसे आप वीवो का ऑफिशियल डायलर को चेंज कर सकते हो एंड अपने फोन से गूगल डायलर को रिमूव करके एंड अपने फोन में वीवो का ऑफिशियल डायलर को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। इसका जो कोड नंबर है मैं आपको थंबनेल पे भी दे दूंगा एंड वीडियो के अंदर भी आप लोग को दे दूंगा, तो फाइनली वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।